हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और दिन की शुरुआत हो रही है एक गिलास पानी से। और यहाँ शावर मैंने ले लिया है और अब मैं करूँगी पाठ और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूँगी। और ये देखिए, आजकल हमारे घर में एक मोटा सा चूहा आ रखा है जिसने घर में अच्छी तरह से उधम मचा रखा है। और उसने देखिए गमले की सारी मिट्टी खोदकर बाहर निकाल दी और मेरे प्लांट्स को भी बिल्कुल तोड़ दिया है। और उसके सारे पत्ते और टहनियाँ तोड़ के उसने नीचे फेंक दिए हैं और इसकी देखिए क्या हालत हो गई है। तो अब ट्राई करेंगे उसको पकड़ने का। देखिए कैसे उसने सारे उसके प्लांट्स के पत्ते तोड़ के फेंक दिए हैं। और यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और मैंने घर का सारा काम भी फिनिश कर लिया था। उसके बाद अब हम निकल गए हैं सोनिया दीदी के घर जाने के लिए, क्योंकि आज गोल्डी की फ़्लाइट है तो हम उसे जाएंगे एयरपोर्ट छोड़ने चंडीगढ़ के। और शाम के 4 बजे की उसकी फ़्लाइट है तो तकरीबन दोपहर को 1-2 बजे उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो अब हम जा रहे हैं सोनिया दीदी के घर और फिर वहाँ से उनके साथ जाएंगे एयरपोर्ट। और पहुंच गए हम सोनिया दीदी के घर और देखिए सब तैयार हो गए थे, रेडी होकर बैठे थे और पैकिंग वगैरह भी उनकी सब डन हो गई है। हेलो, ये रेडी फॉर एक्शन। रेडी, सारे रेडी, लेट्स गो। हो गया तैयार, हुंदा वैसे जाना लूंगा। रेडी, ठीक है, ओके, लेट्स गो। ओके, वेरी गुड। और पहुंच गए जी हम चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में। और फ़र्स्ट टाइम मैं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे आई हूँ। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है, ये काफ़ी खुले एरिया में है और यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं है, आराम से पार्किंग की जगह भी काफ़ी है। और ये गए हैं गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए और हम यहाँ पर इनका वेट कर रहे हैं। और बस जैसे ही ये आएंगे तो हम फिर गोल्डी को डिपार्चर तक छोड़ कर आएंगे। और यहाँ काफ़ी रश भी नहीं है इसलिए आराम से नंबर आ जाएगा, कोई लाइन वगैरह भी ज़्यादा लंबी नहीं है। और अभी थोड़ा टाइम भी पड़ा है गोल्डी के जाने के लिए तो फिर हमने सोचा कि चलो यहीं पर वेट कर लेते हैं। और इधर नीचे की साइड अराइवल एरिया बना हुआ है और उसके सामने ही पार्किंग है और ये ऊपर डिपार्चर एरिया है। और ये आ गए हैं गाड़ी को पार्किंग में लगाकर और अब हम चल रहे हैं गोल्डी को डिपार्चर तक छोड़ने। और यहाँ पर चल रहा है थोड़ा सा फ़ोटोशूट और ये देखिए कितना अच्छा एरिया यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी खुला। और यहाँ पर मिल रहा है गोल्डी सबको जाने के लिए। और ये थोड़ा बड़ा इमोशनल टाइम होता है कि सभी अपनों से दूर जाना और वहाँ पर सर्वाइव करना अकेले जाकर। और यहाँ पर दीदी हो गए हैं थोड़े से इमोशनल।
और गोल्डी ने कर लिया है अंदर एंटर और उसका चेक इन और उसे बोर्डिंग पास मिल गया है और अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी आगे की नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।